How cute is this? ये अच्छी है baskets, right? एक साइड हैप्पी हूँ, एक साइड उनको बहुत मिस कर रही हूँ. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, my name is Sonia. So welcome to my channel. आज है first day of school, so kids school जा चुके हैं. I'm so happy. एक साइड हैप्पी हूँ, एक साइड उनको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा. बट नाउ ऐसा है कि मुझे टाइम मिलेगा खुद के लिए एंड दिमाग और चलेगा काम करने के लिए. इस मंथ में मैंने इतना काम नहीं किया, बस वेकेशन को ही इंजॉय किया. बट नाउ मैं अपने ट्रैक पर आ चुकी हूँ. अब मैं बहुत सारा काम करूँगी, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको. सो या नाउ मैं क्या करूँगी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाउ मुझे करना है टाइडी अप, क्लीन अप. सबसे पहले मैं लॉन्ड्री स्टार्ट कर दूँगी. मल्टीटास्क वर्क करते रहेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करेंगे. आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसे है जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, एंड मुझे ज़रूर बताना इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. चलो अब मैं करती हूँ लॉन्ड्री एंड फिर देखते हैं और क्या क्या करना है. आज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें. ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं, इनको मैं वॉश कर लूँगी सभी को. फिर अच्छी स्मेल आती है, जल्दी जल्दी वॉश करते रहना चाहिए. लॉन्ड्री शुरू हो गई है, बस कपड़े वाश हो रहे हैं. जब तक मैं क्या करूँगी, एडिटिंग करूँगी एंड फिर उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे. एंड एडिटिंग बहुत ज़रूरी है. आज मैं चाहती हूँ कि कुछ वीडियोस एडिट करके आपको दे दूँ जल्दी जल्दी, जो मैंने लास्ट वीक में नहीं दी इतनी वीडियोस. मैं रेडी हो चुकी हूँ. So let me be your go-to. I could be the one who gives you everything you want and more. I've been sitting on the sideline, waiting till the time's right. There's something about this moment, it feels so pure. So I gotta know if you got it bad like I got it bad for you. You got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. So give me your mom and show me that baby you're down for it. कपड़े हो गए हैं वॉश. ओके गाइज, मैंने नहा लिया एंड लॉन्ड्री भी मेरी डन हो चुकी है. ब्लैंकेट्स मैंने वॉश करके रख दी है, इसे मैं फैमिली रूम में रखती हूँ एंड वीकली इसे वॉश कर देती हूँ. उसका रीज़न ये है कि फिर वो फ्रेश फ्रेश उससे स्मेल आती है, जो फ्लिसी की स्मेल होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं वीकली से वॉश कर देती हूँ. ओके, सो सारा काम हो गया, क्लीनिंग एवरीथिंग डन. मैं अब क्या करूँगी, क्विक फूड बनाऊँगी बच्चों के लिए एंड फिर मैं बाहर जाऊँगी स्टोर में. मुझे स्टोर में जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे शॉपिंग करना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है एंड न्यू आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ. सो वो करूँगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं. सो चलो चलते हैं स्टोर, उससे पहले फूड जल्दी जल्दी बना लेती हूँ. पिज़्ज़ा डो मैंने रेडी कर दिया है, घर में ही मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ. अगर देखना चाहते हो कि मेरी सीक्रेट रेसिपी क्या है पिज़्ज़ा की, क्लिक ऑन आवर टॉप टू वॉच दैट वीडियो. एंड आज मैंने बनाया है मंचूरियन, इसकी रेसिपी भी है इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. एंड सॉस मैंने बना के रख ली है एंड बस अब मैं इसे मिक्स करूँगी. I wouldn't waste
प्यूरिन को मैं फ्राई करके उतना ही मिक्स करती हूँ जितना खाना होता है एंड फिर उसके साथ क्रंची रहता है एंड सॉस सेपरेट बना के रख लेती हूँ। रेडी हो चुका है, नाउ हम चलते हैं स्टोर शॉपिंग करने के लिए। मैं आ गई हूँ स्टोरेज की दुनिया में गाइस। सो ये है डॉलर स्टोर। अब मैं फाइंड आउट करूँगी कि मुझे क्या ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। सो ये अच्छा है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो डिश रैक। दिस इज़ नाइस, हाउ क्यूट इज़ दिस। ये अच्छी हैं बास्केट्स राइट, एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। You're feeling down, feeling low, you'll never be alone. Okay guys, shopping done. Bahut sara samaan maine le liya, ghar ja kar dikhati hu. ओके गाइस, ग्रॉसरी आ चुकी है एंड मैं गई थी डॉलर स्टोर, बहुत सारी स्टोरेज की चीज़ें लेकर आई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट गाइस मैंने ली है ये बड़ी सी बास्केट, ये काफ़ी डीप है अंदर से, ये थी आई थिंक $4, यस ये $4 की है एंड आप साइज़ भी देख सकते हो काफ़ी डीप है एंड ये मुझे अच्छी लगी, बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें रखूँगी। एंड सेकेंड मैं लेकर आई हूँ ये है $2 का, ये भी स्टोरेज बास्केट है एंड ऐसी है ये देखने के लिए, ये सॉलिड है एंड अच्छी लगी मुझे, ये स्ट्रॉन्ग लगी। सो ये सेकेंड वन एंड थर्ड मैं लेकर आई हूँ, ये $2 के टू पीसेज है, मैं 4 लेकर आई हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी है एंड ये भी मुझे अच्छी लगी। मुझे सब कुछ वाइट कलर में चाहिए था, हार्ड टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन अ वाइट कलर। सो ये है मेरा थर्ड साइज, बिग स्मॉल, बिग मीडियम एंड स्मॉल। एंड फिर मुझे ये अच्छी लगी, ये भी अच्छी है, ये प्योर वाइट नहीं है, थोड़ी सी क्रीम है, लाइक ऑफ वाइट है एंड ये भी मुझे मिली है $2 की, ये भी अच्छी लगी मुझे एंड $2 ईच एंड ये मैं लेकर आई हूँ। So everything looks good, right? So far. Okay, next मैं लेकर आई हूँ कोलेंडर, एक्सटेंड कर सकते हो आप, ये छोटा साइज है, इसे आप ओपन करके एक्सटेंड कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे मिला है $3 का ईच एंड ये मैं लेकर आई हूँ 2 इन अ वाइट कलर। तो एक्सटेंड करके ये इतना बड़ा हो जाता है, ये है इसका ओरिजिनल साइज एंड इतनी बड़ी हो जाती है जी। सो मुझे ये भी अच्छा लगा, आप इसे सिंक में भी यूज़ कर सकते हो, मैंने एक लॉन्ड्री में भी यूज़ किया है एंड किचन में भी यूज़ करती हूँ। सो ऐसी चीज़ें कोलेंडर्स बहुत अच्छे होते हैं जो एक्सटेंड हो जाते हैं। सो ये भी वाइट कलर में मुझे मिला है एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये कलरफुल है, मैं वाइट में फाइंड आउट कर रही थी, ये भी स्टोरेज बॉक्सेज हैं एंड ये स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर आप रख सकते हो लाइक दिस। सो ये 3 है एंड ये मुझे मिले हैं $4 के एंड ये डिश वॉशर सेफ है, दिस इज़ रियली गुड, आई रियली लव इट, दिस ब्लू ग्रीन एंड 1 क्लियर, बट मैं ढूंढ रही थी क्लियर मिल जाता और मुझे वाइट मिल जाता और दैट्स फाइन। सो ये मैं यूज़ करूँगी एंड नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये है ऑर्गेनाइज़र, इसमें आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये मुझे मिला है $2.50 का एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, आप जहाँ पीछे कुछ रख सकते हो, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। सो आई रियली लव दिस वन। सो दीज ऑल द बास्केट्स आई गॉट फॉर स्टोरेज फॉर माई किचन एंड नेक्स्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये भी मुझे $4 का मिला, इसके अंदर है कैंडल एंड दिस इज़ रियली क्यूट,
जे रस्टिक सा एंटीक सा है, सो मैं इसे डेकोरेट करूंगी, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी कहाँ मैं इसे यूज करूंगी। इसके अंदर आप बैटरीज यूज कर सकते हो, सो फिर जे लाइट करेगा अंदर से, एंड दिस इज वेरी गुड वन। सो और मैंने की है ग्रॉसरी, ग्रॉसरी मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। सो मेन मेरा फोकस था कि मैं आज लेकर आऊँ अपने ऑर्गेनाइज़र, जिससे मैं अपनी किचन को कर सकूँ ऑर्गेनाइज, एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, एंड बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। मैं मोस्टली फ्रेश प्रोड्यूस लेकर आई हूँ, जे है प्लम एंड पेयर। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ जो जेलो वाली कीवी, जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत स्वीट होती है एंड आई लव द टेस्ट। एंड लेकर आई हूँ नेक्ट्रेंस, एंड ये सारा कुछ ऐसे पैकेजिंग में है, मुझे अच्छा लगता है। एंड जे मैं बॉल ले करती हूँ सॉसेज, वेजी सॉसेज है जे। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ कलरफुल पेपर्स एंड लेमन, ग्रेपफ्रूट, एवोकाडो, टमेटोज, जे है ब्रोकली, एंड जे मैं लेकर आई हूँ क्यूकम्बर्स, टू बैग्स लेकर आई हूँ इसके, बनानास, सैलेड का बैग एंड ग्रीन पेपर्स, लेटस एंड सम बेरीज लाइक ब्लू बेरीज, रेसबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। सो बच्चे लाइक करते हैं ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज, एंड मैं लेकर आई हूँ मैंगोज। उनके पास केस नहीं थे, ऐसे ओपन इंडिविजुअल आप ले सकते हो, सो मैंगोज। जे चॉइस ऑफ जूस एंड प्लेन ब्रेड लेकर आई हूँ, एंड गार्लिक ब्रेड लेकर आई हूँ, एंड फिर मैं लेकर आई हूँ बंस, इस बनाऊँगी बर्गर्स, गोकामोली टॉर्टिया चिप्स बच्चों के टू, एंड ये भी बच्चों के स्नैक्स, बच्चों के स्नैक्स हो गए। या मैं ज़्यादा फ्रेश प्रोड्यूस ही लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था, फिनिश हो रखा था, सो सारा फ्रेश प्रोड्यूस आ गया है, हेल्दी ग्रॉसरी, मैंने ऐसा कोई जंक नहीं लिया, एंड या सो जी मैंने डॉलर स्टोर से लिया है सारा कुछ। तो या ग्रॉसरी डन। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए, मैं अमेजन का लिंक्स दे दूँगी, आप चेक कर लें मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। Never wanna see you cry, girl. You need to know. This life means sometimes that we fight. At least we're sitting side by side. तो ये है मम्मी लाइफ आफ्टर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, सो फन फन फन। आज मैं फुली मूड में हूँ, लाइक हैप्पी हूँ, सो वो चीज़ें कर रही हूँ जो मुझे करनी अच्छी लगती हैं, एंड मैं ग्रॉसरी भी करके लेकर आई हूँ, एंड मुझे थोड़ा सा फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए था, ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, सो इसकी स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून के मैं अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। सो या ये था मेरा आज का दिन गाइज, अभी मुझे किचन को डीक्लटर करना है, अब फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सो मैं बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रही हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ अपनी किचन को, एंड फिर मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें लाइक कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र ऐड करती हूँ मैं अपनी किचन में, एंड वो सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। सो फेस्टिवल आ गया है, आप ही अपने घर की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ स्टार्ट कर दें, एंड या अब मैं आपको मिलूँगी अनदर कमिंग वीडियो में। होप आपको मेरा जो छोटा सा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड लव यू लॉट। आपकी सपोर्ट के लिए मैं थैंक यू करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो एंड दिल से सपोर्ट करते हो। बस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स जरूर करें, एंड कोई भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा शेयर कर दें, उससे मुझे हेल्प होती है, एंड या सो अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में, एंड देन टेक केयर गाइज, एंड लव यू एंड बाय।